सिटीजनशिप ये एक ऐसा मुद्दा है जो कभी ठंडा नहीं होता। सिटीजनशिप किसी न किसी रूप में आज भी सरकार के सामने चुनौती खड़ा करता ही रहता है, चाहे वो NRC हो या फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट है, चाहे उस पर विरोध हुआ हो शाहीन बाग में या फिर जामिया मिलिया में, या फिर रोहिंग्यास का इशू ही क्यों ना हो, या फिर आज मणिपुर में बढ़ती हिंसा जिसने आज आग का रूप ले लिया है। क्योंकि ऐसा सूत्रों के हवाले से कहा जाता है कि म्यांमार के कुछ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप आज भी उस आग को ठंडा नहीं होने देना चाहते। मगर आज हम ना बात करने वाले हैं मणिपुर की हिंसा की और ना बात करने वाले हैं शाहीन बाग के प्रोटेस्ट की, बल्कि हम बात करने वाले हैं उस समय की जहां से सिटीजनशिप का मुद्दा पहली बार शुरू हुआ। Between August 1947 and March 1948, 4.5 million Hindus and Sikhs are forced to migrate from Pakistan to India. 6 million Muslims must move in the opposite direction. 10 million people are displaced in the partition of India. 1 million are dead. जी हाँ, जब संविधान निर्माताओं ने संविधान को लिखा तब ये एक और भी बड़ी चुनौती था। देश के बंटवारे के समय यानी कि 15 अगस्त 1947 के बाद जब दोनों देश के रूख इधर से उधर यानी कि पाकिस्तान से इंडिया और इंडिया से पाकिस्तान जा आ सकते थे बिना किसी परमिशन के, यानी कि मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के दौर की, जहां बीच में कम्युनल वायलेंस होने की वजह से चीजें और भी डिस्टर्ब हो गई। उस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने ये एक इतना बड़ा मुद्दा हो गया कि उन्होंने सिटीजनशिप के स्टेटस को डिसाइड करने के लिए संविधान के आर्टिकल्स में इस चीज को मेंशन किया। आमतौर पर किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजनशिप के बारे में नहीं लिखता, मगर हमारे संविधान निर्माताओं के सामने ये कितनी बड़ी चुनौती थी कि उन्होंने इसे संविधान में लिखा। उन्होंने आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 के बीच में सिटीजनशिप को डिटेल में बताया। इतना ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपनी तरियादिली दिखाते हुए उन लोगों को भी सिटीजन माना जो कि बंटवारे के समय इंडिया से पाकिस्तान चले गए थे, मगर उन लोगों को जब पाकिस्तान ने नहीं अपनाया या फिर कुछ लोग कम्युनल वायलेंस ठंडा होने के बाद इंडिया वापस आए 26 जनवरी 1950 से पहले यानी कि संविधान लागू होने से पहले, तो आर्टिकल 7 के अकॉर्डिंग उन्हें भी सिटीजन माना गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बहुत अच्छे से पता था कि सिटीजनशिप एक बहुत गंभीर समस्या है, इसलिए उन लोगों ने दूर की सोच रखते हुए आर्टिकल 11 में पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये पावर दी कि वो सिटीजनशिप पर लॉ बना सके। इसी के चलते पार्लियामेंट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेकर आई और NRC जैसे लॉ इंडिया में आए, जिसका काफी विरोध भी रहा। अगर आप लोग ऐसे ही वीडियो को देखना चाहते हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरी अगली वीडियो के लिए बेल आइकन भी दबा दीजिए। थैंक यू।